हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर केतन शाह अहमदाबाद गुजरात से। इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा होम्योपैथिक मेडिसिन कैल्केरिया कार्प के बारे में। मेरा एक अलग से वीडियो है कैल्केरिया कार्प चिल्ड्रन के बारे में। ये पूरा जनरल वीडियो की बहुत सारी इंडिकेशन है जो इस मेडिसिन के, वो हम डिस्कस करेंगे। कैसे ये सोर्स क्या है और कौन कौन से डिजीज में ये दी जाती है, कौन से मानसिक लक्षण हमें देखना चाहिए प्रिस्क्राइब करने से पहले, और लास्ट में इसकी पोटेंसी भी हम डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं कैल्केरिया कार्प होम्योपैथिक मेडिसिन। तो हम शुरू करते हैं कैल्केरिया कार्प पार्ट टू। इसलिए लिखा है कि ऑलरेडी हमने पहले कैल्केरिया कार्प चिल्ड्रन में कहां प्रिस्क्राइब किया जाता है उसका एक अलग से वीडियो है। तो इसका सोर्स क्या है, ये मिनरल ग्रुप की मेडिसिन है और मिडल लेयर ऑफ द ऑयस्टर सेल में से ये बनने वाली दवाई है। ये दरियाई जीव है और वो प्रिफरेबली सेल में रहना चाहता है, मतलब प्रोटेक्शन में रहना चाहता है, और वो जो स्टोन है उसको भी वो चिपक के रहने वाला ये दरियाई जीव है। तो प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी, और जिस तरह से ये दरियाई जीव में है वैसे ही आपको कैल्केरिया कार्प पेशेंट में भी ऐसा ही देखा जाएगा कि उसको भी सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन चाहिए। ये पेशेंट स्लो है, लेजी है एंड अपना जो काम है वो पोस्टपोन करता रहता है। ये पेशेंट फैट है, मतलब आप देखोगे तो फैट दिखाई देगा और स्किन फेल लगेगी। उसकी जो मसल्स वगैरह है वो फ्लैबी रहते हैं और ज्यादातर उसका जो पसीना होता है वो ठंडा होता है एंड सार स्मेलिंग होता है। कैल्केरिया और कैल्शियम को एक रिलेशन है वैसे हम मानते हैं, और कैल्शियम से ही बोन पे इफेक्ट आती है। तो कैल्केरिया कार्प में अच्छा इंडिकेशन ये है कि ये बोन डेवलपमेंट में जो डिफेक्टिव बोन डेवलपमेंट है, चाहे वो जो बोन है उसका फ्यूजन नहीं हुआ हो, या तो जो लॉन्ग बोन है स्पाइन के बोन हो, या तो दूसरे लॉन्ग बोन के कर्वेचर हो जाता है और स्वेलिंग आ जाती है, बोन सॉफ्ट हो जाते हैं और इसी की वजह से ये पेशेंट को चलने में प्रॉब्लम होता है। बच्चा जो होता है वो काफी लेट लर्निंग टू वॉक, मतलब जल्दी चलना नहीं सीखता है, और इसमें जो कैल्शियम कंपाउंड है वो उसका डिस्ट्रीब्यूशन है वो इरेग्युलर है, मतलब एक साइड आप देखोगे तो डेफिशिएंसी, कैल्शियम की डेफिशिएंसी कहीं नजर आएगी और वो बोन सॉफ्ट हो जाएगा, और दूसरी जगह वहां के जहां ज्यादा कैल्शियम जमा हो जाएगा वहां वो बोन का ग्रोथ डेवलप हो जाएगा, जिसको एक्सोस्टोसिस बोलते हैं। तो जहां बोन पे ग्रोथ आ गया वहां भी कैल्केरिया काम कर सकती है, और बोन जहां सॉफ्ट हो गए वहां भी कैल्केरिया यूज हो सकती है। इस तरह से ही आप देखोगे तो कैल्केरिया का पेशेंट को भी देखोगे तो वहां भी आपको कुछ इरेग्युलरिटी दिखाई देगी, सिर्फ बोन में नहीं। आप कैल्केरिया का पेशेंट को देखोगे तो उसका जो सिर है ना, आप बहुत ब्यूटीफुल एक पिक्चर है, वो सिर कितना भारी दिखता है। उसका पेट है वो भी बड़ा बड़ा दिखेगा, ऐसा लगेगा कि जो प्लेट होती है चाय की प्लेट वैसे उल्टा रख के जैसे दिखता है, जैसा उसका पेट दिखेगा। लेकिन उसके हाथ और पांव या तो गर्दन का पोर्शन वो काफी इमेक्शिएटेड, मतलब बहुत पतला दिखेगा। तो सिर और पेट बड़ा दिखेगा लेकिन उसके हाथ पैर है वो पतले दिखेंगे। तो उस तरह से उसको फूड वगैरह में भी माल न्यूट्रिशन रहता है, उसकी वजह से उसका ग्रोथ भी डिस्टर्ब रहता है। इस तरह से उसका स्टूल भी वाइटिश होता है, अनडाइजेस्टेड होता है, चौकी होता है और उसमें कर्ड लाइक मिल्क कंटेनिंग होता है, और उसको मिल्क से प्रॉब्लम होता है इसलिए परसिस्टेंट वॉमिटिंग होती है। ये भी बहुत अच्छा पिक्चर है, एक पिक्चर ही सब कुछ बता देता है कि एक मेडिसिन है ग्रोथ के लिए मेडिसिन है, और ग्रोथ मतलब बॉडी में कहीं पर भी अलग अलग टाइप के ग्रोथ हो उसमें, और ये ग्रोथ कैसा होता है, थीक होता है और हार्ड हो जाता है। कई लोगों को आप वर्ट्स देखोगे, वर्ट्स में हमें पता है कि थूजा सबसे बेस्ट मेडिसिन है, कॉस्टिकम बेस्ट मेडिसिन है,
एंटन क्रूड को भी हम सोच सकते हैं, लेकिन ये मेडिसिन भी बहुत अच्छे से हार्ड और थिक ग्रोथ होता है उसमें काम करती है। नाक में पोलिप बन जाता है, कान में पोलिप, वजाइनल पोर्शन में, यूट्रस में, ब्लेडर में, ये सभी जगह एक पोलिप टाइप का ग्रोथ होता है और उसका जो वॉट्स है वो भी फेस पे, नेक पे, फिंगर्स पे, अपर एक्सट्रीमिटीज पे। तो वॉट्स एंड ग्रोथ की बहुत अच्छी मेडिसिन है। इतना ही नहीं, जो हम बोलते हैं ना टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, मतलब कान का जिसको हम पर्दा बोलते हैं, वो भी ठीक हो जाता है। तो वो ठीक हो जाने की वजह से हियरिंग में प्रॉब्लम होता है। कई लोगों को पैर में कपास ही बोलते हैं, एक कॉन्स जिसकी एंटन क्रूड बहुत अच्छी दवाई है, लेकिन कॉन्स में जब जलन और दर्द होता है तो ग्रेफाइटिस, सिलिशिया, इस तरह की मेडिसिन आप सोच सकते हैं। लेकिन कैल्केरिया ग्रुप की भी बहुत अच्छी मेडिसिन का इंडिकेशन है। मुंह में छाले हो जाते हैं और छाले जो होते हैं वो हार्ड हो जाते हैं और सराउंडिंग पोर्शन पे भी उसकी इफेक्ट होती है। अब हम बात करेंगे कि माइंड, कैल्केरिया पेशेंट का स्वभाव कैसा होता है। तो आपको फियर, एंजाइटी, डिपेंडेंसी, सिक्योरिटी, ये सब वर्ड्स पे बहुत फोकस करना है। हम फियर की बात करें, फियर मिसफॉर्च्यून, कुछ बुरा हो जाएगा, कुछ बुरा हो जाएगा। इन्फेक्शन का डर लगता है, मतलब कुछ इन्फेक्शन उसको लग जाएगा अगर कोई रोग है। कोरोना में मैंने बहुत अच्छे से कैल्केरिया आर्स और कैल्केरिया ग्रुप की मेडिसिन यूज की है कि उसको लगेगा कि हाँ मैं पेशेंट के पास जाऊंगा और उसका कोरोना मुझे डर लग जाएगा। हाइट का मैंने देखा है, नैरो प्लेसिस का, मतलब क्लस्ट्रोफोबिया, जो लोग को लिप में डर लगता है, बंद जगह का डर लगता है और उनको डर लगता है जब कोई डांट देगा, वो ऐसा काम ही नहीं करेंगे कि कोई उनको बोले या कुछ सुनना पड़े। और दूसरा, उनको स्ट्रेंजर का डर लगता है, वो फैमिली में कंफर्टेबल रहते हैं, उनको एंजाइटी, मतलब कोई चिंता होती है तो पाल्पिटेशन हो जाता है। और थोड़ा भी माइंड का यूज करेंगे तो उसका जो सिर है वो गर्म हो जाएगा और एप्रीहेंसिव, क्या होगा क्या होगा, फॉरगेटफुलनेस। और खास करके मेंटल वर्क जो होता है या फिजिकल वर्क होता है वो उनको करना पसंद नहीं होता है। बहुत कंफ्यूज पेशेंट रहते हैं, उनको एक सिंपल जो प्रॉब्लम्स होते हैं, सिंपल बातें होती है वो समझने में उनको तकलीफ होती है। और उनके वो सुनेंगे, देखेंगे, लेकिन उसको समझ नहीं पाते हैं। तो बोल सकते हैं डल, फिजिकली भी डल है और मेंटली भी डल है ये पेशेंट। मैंने बताया ऐसे तरह से स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी, वो लोग डिपेंड रहेंगे, खुद डिसीजन नहीं लेंगे। अपना फ्रेंड्स हो या पार्टनर हो, कहीं जाना होगा तो भी अकेले नहीं जाएंगे, मेरे साथ चल। तो हर जगह पे जैसे बोन शरीर को स्टेबिलिटी देता है, उनको उस तरह से कोई सपोर्ट चाहिए। आप एक वर्ड यहाँ स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, सपोर्ट यूज कर सकते हैं। और ऐसा सपोर्ट चाहिए कि जिस पर वो डिपेंड हो सके, और ऐसा सपोर्ट चाहिए कि वो उनको प्रोटेक्ट करे। तो इस तरह के फैमिली हो या फ्रेंड हो, उस पर ही ज्यादा पेशेंट डिपेंड करता है। ये लोग लाइफ में रिस्क नहीं लेते हैं। वो पहले अगर जॉब छोड़ना होगा तो सोचेंगे नहीं नहीं मैं जॉब नहीं छोड़ूंगा, मुझे नई जॉब नहीं मिलेगी, तो कॉन्फिडेंस का अभाव बोल सकते हैं। तो लाइफ में कुछ एडवेंचर नहीं करते हैं। छोटा बच्चा होगा उसको जंप भी मारना होगा तो नहीं मरेगा, लगेगा। तो हर जगह पे खुद को संभाल के रखते हैं, चाहे लाइफ में भी रिस्क लेना हो तो रिस्क नहीं लेंगे। बस जो है मेरा एनवायरनमेंट है, मैं इसमें खुश हूं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। और अगर वो रिस्क लेंगे तो भी कोई सपोर्ट मिलेगा, कोई उनको बहुत बोलेगा नहीं मैं आपके साथ हूं, आप घबराओ नहीं, डरो नहीं, तब वो जाके हिम्मत करेगा ये पेशेंट। डिपेंडेंसी, अगर बच्चा भी आया कंसल्टेशन में तो डायरेक्ट नहीं बोलेगा, पहले तो पेशेंट अकेला ही नहीं आएगा, किसी को ना किसी को साथ में लेके आएगा। और आएगा तो भी उसको अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करेगा। अगर बच्चे को भी कुछ बोलना होगा तो वो अपने पेरेंट्स के कान में जाके बोलेगा, आप देख सकते हो पिक्चर में, वो डायरेक्ट बात नहीं करेगा क्योंकि उसको स्ट्रेंजर का डर है। कैल्केरिया का आपको ऑपरेशन का भी डर है, इंजेक्शन का भी डर है, इसलिए वो ज्यादातर डॉक्टर के पास बच्चे जाने में थोड़े घबराते हैं।
आई एम हैप्पी व्हेन एवरीबॉडी अराउंड मी, मतलब घर के लोग जहां वो सिक्योरिटी फील करते हैं ऐसे लोग उसके आसपास में रहेंगे तो पेशेंट खुश। लेकिन अगर कोई स्ट्रेंजर आ गया तो वो नहीं बैठ जाएगा, आराम से बैठ जाएगा, कुछ धमाल मस्ती कुछ नहीं। ये पेशेंट ऑब्स्टिनेट रहते हैं, मतलब गुस्से वाले रहते हैं, एग्रेसिव रहते हैं, लेकिन कहां, सिर्फ अपने घर में ही, जहां वो डिपेंड प्रोटेक्शन मिलता है, जहां से उनको थोड़ा केयर लव अफेक्शन मिलता है, वो कौन है, फैमिली है, फ्रेंड्स है, तो नॉन लोगों के प्रति वो लोग अपना गुस्सा व्यक्त करेंगे। लेकिन यही पेशेंट, यही बच्चे, यही कैलकेरिया का पेशेंट बाहर जाएगा तो वो टिमिड है, फियरफुल है, और उनको यह है कि कोई मुझे डांटना नहीं चाहिए, वो शांति से बैठ जाएगा ताकि कोई डांटे नहीं। तो बाहर उनकी पर्सनालिटी अलग हो जाती है, घर में अलग हो जाता है, घर में तो वो शेर बन के घूमते हैं लेकिन बाहर चूहा बन जाते हैं। रिलीजियस अफेक्शन के दो रूब्रिक यहां लिए हैं। तो जो बच्चे शुरू से ही धार्मिक एटीट्यूड वाले होते हैं, अफेक्शन वाले होते हैं, उनमें कैल्केरिया कार दवाई है, उसके अलावा आर्सेनिक, कार्सिनोसिन, लेकेसिस, प्लेटिना, सेपिया, स्टेमोनियम, सल्फर, ये सारी दवाई है। एक और भी अच्छा रूब्रिक है कि पूरा दिन वो बाइबल रीड करते हैं। बाइबल मतलब कोई भी अपना जो रिलीजियस ग्रंथ है, कुछ लोग को हैबिट होती है कि राम नाम लिखते रहते हैं या तो बस धार्मिक बुक पढ़ते रहते हैं, तो पूरा दिन जिनका यही रहता है, धार्मिक के प्रति उनका लगाव रहता है, उनके लिए कैल्केरिया कार और स्टेमोनियम दवाई आप सोच सकते हैं। ये लोग घर में अपने आप को सिक्योर फील करते हैं, और घर पे कोई गेस्ट आएंगे जो नॉन होंगे, उनके फ्रेंड होंगे, तब वो बहुत अच्छे से उनको वेलकम करेंगे, अच्छा भी लगेगा, उनको बहुत अच्छी ट्रीटमेंट भी देंगे। लेकिन कोई स्ट्रेंजर आया तो इतना अच्छे से वो गुल मिलते नहीं है, वो सिक्योर फील नहीं करते हैं स्ट्रेंजर के पास। तो ये माइंड के बाद हम सिर के सिम्टम्स पे आते हैं। मैं ये रूब्रिक बहुत अच्छे से कंफर्म करता हूं जब मुझे कैल्केरिया कार प्रिस्क्राइब करनी हो, तो एक तो सिर तो बड़ा होता ही है, हमने देख लिया, लेकिन जब पेशेंट सोता है तो पूरे सिर भीग जाता है, पूरा सिर और तकिया दोनों भीग जाते हैं, क्योंकि पसीना सिर में ज्यादा होता है, और उसमें दूसरी दवाई है सिलिशिया और सेनिक्यूला दूसरी दवाइयां है। पेशेंट जब भी सुबह उठेगा तो खुजाने लगेगा, तो बड़ा सिर, सिर में पसीना, सिर में खुजली, ये सब उसके सिम्टम्स है। साथ में उसको हेडेक होता है, और जब हेडेक होता है तो उसके हाथ और पैर ठंडे हो जाते हैं। अगर कुछ भारी सामान उठा लिया या तो कुछ ब्रेन का वर्क कर दिया, उसने कुछ लंबी पढ़ाई कर दी या तो कुछ रीड कर लिया, तब हेडेक होता है, साथ में नौशिया होता है। अब सिर के बाद हम नोज पे आते हैं, तो कुछ लोगों को नोज में नेजल पोलाइप होते हैं, मतलब कोई ग्रोथ होता है, जहां मैं सैंगिनेरिया नाइट्रिकम मेडिसिन यूज करता हूं। लेकिन कई बार क्या होता है कि कैल्केरिया का भी बहुत अच्छा इंडिकेशन, उसकी वजह से नाक बंद हो जाता है, यहां सूजन आ जाती है, अल्सर हो जाते हैं, और नाक से एक बदबू वाला येलो डिस्चार्ज निकलता है। तो नाक के ये सिम्टम्स में पोलाइप बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेशन है, उसकी अलावा नाक से खून आना और सर्दी में जब भी वेदर चेंज होता है तब ये कैल्केरिया कार पेशेंट को ठंड लग जाती है और कोल्ड हो जाता है। अब गले में बात आता है, अब देखो कि हर जगह पे ग्रोथ है, स्किन पे भी ग्रोथ है, नाक में भी पोलिप है, गले में क्या आएगा, टॉन्सिल्स एंड एडेनोइड्स का भी ये अच्छी दवाई है। तो टॉन्सिल में सूजन आ जाती है और उसकी वजह से आसपास की ग्लैंड सूज जाती है और पेशेंट को स्वेलो करने में प्रॉब्लम होता है। गोइटर जो थायराइड में भी सूजन आ जाते हैं और उसकी वजह से गोइटर जो थायराइड का डिजीज है वो हो जाता है। दांत, सबको पता है कि कैल्केरिया का दांत के लिए बहुत अच्छी यूज होने वाली दवाई है, जहां डेंटिशन है, मतलब दांत आना बहुत लेट आते हैं या तो आते हैं तो बच्चा बहुत परेशान होता है, तो ये सारे केसेस में, दांत के केसेस में कैल्केरिया ग्रुप की सारी मेडिसिन बहुत अच्छे से इफेक्टिव है। अब हम आते हैं पेट पे, तो ये पेशेंट को क्या अच्छा लगता है खाने में, क्या अच्छा नहीं लगता है, तो मीट अच्छा नहीं लगता है, गर्म चीजें नहीं खाता है,
फैटी चीजें नहीं खाता है, लेकिन उसको क्या अच्छा लगता है खाने का, क्या मन होता है? इनडाइजेस्टेबल थिंग्स, मतलब चौक है, कोल है, पेंसिल है, इस तरह की, जैसे एल्यूमिनियम है, जिससे हम लोग कई बार लगता है कि इसको हीमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी है। तो एग्स भी अच्छे लगते हैं, सॉल्ट एंड स्वीट भी अच्छा लगता है, लेकिन मिल्क, उसको आप बोल सकते हो कि मिल्क से वो कंफर्टेबल नहीं है, मिल्क से प्रॉब्लम होते हैं। तो मैंने जैसे बताया कि मैं कई बार पसीना के बारे में पूछता हूँ, उस तरह से कंफर्म करने के लिए ये भी पूछता हूँ कि क्या आपको इस तरह की चीजें जो है इनडाइजेस्टेबल थिंग्स, मतलब चौक पेन खाने का मन होता है। दूसरा कि उसमें खट्टी डकार, सॉरनेस इज द वर्ड फॉर कैल्केरिया, उसका पसीना भी खट्टा होगा, उसकी डकार आएगी, वो भी या तो वॉमिट होगी, वो भी सॉर होगी, और उसको भूख नहीं लगती है, गर्म चीजें अच्छी नहीं लगती है, लेकिन कोल्ड चीजें, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह ज्यादा अच्छा लगता है। हमने स्टूल के लिए बात कर लिया, तो उसका जो कलर है वो मतलब व्हाइटिश और वाटरी, खट्टी स्मेल उसमें भी स्टूल में भी आती है, और स्टूल लार्ज होता है, हार्ड होता है, जैसे कॉन्स्टिपेशन हुआ, और ब्रायनिया में भी यही हमने देखा है। और जो स्टूल के साथ उसको टाइल्स वगैरह का प्रॉब्लम हो और जोर करना पड़े, हार्ड स्टूल हो, तब कैल्केरिया हम यूज कर सकते हैं। कॉन्स्टिपेशन कैसा होगा? स्टूल हार्ड होगा, फिर पेस्ट्री टाइप होगा, और फिर लिक्विड स्टूल होगा। और ये बहुत अच्छा एक सिम्टम्स में बता रहा हूं कि जो बहुत कम रेमेडीज में दिखता है कि पेशेंट कंफर्टेबल फील करता है। जब कॉन्स्टिपेशन हो, स्टूल पास नहीं किया है, तब पेशेंट आनंदित रहता है, ऐसा कभी नहीं दिखता है। लोग यही बोलेंगे कि आज मेरा पेट साफ नहीं हुआ, तो मुझे मजा नहीं आ रही है, मूड नहीं आ रहा है, लेकिन कैल्केरिया पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन में एंजॉय करता है। फीमेल सिम्टम्स, खास करके पीरियड्स के पहले क्या प्रॉब्लम होता है, तो ब्रेस्ट जो होते हैं उसमें दर्द होगा, साथ में सिर दर्द होगा, पेट दर्द होगा, ठंड लगेगी, और वाइट डिस्चार्ज होगा, बर्निंग भी होगा, अगर वजाइनल पोर्शन पीरियड्स मतलब वो प्राइवेट पार्ट में उसको खुजली होगी, जलन होगी पीरियड्स के पहले, और बच्चों में भी लिकोरिया वगैरह हो, जलन वगैरह हो, तो आप अच्छे से सोच सकते हैं। पीरियड्स, हाँ मैंने बोला कि फाइब्रॉइड की ग्रोथ की दवाई है, तो जब मेनोपोज एज हो या कोई भी एज हो, जहां अगर पेशेंट फैट फेयर हो और उसको पीरियड्स के प्रॉब्लम हो, खास करके फाइब्रॉइड वगैरह की वजह से पीरियड जल्दी आ जाते हो, ज्यादा दिन चले, लंबा चले, और उसकी वजह से चक्कर आना, दांत में दर्द होना, और खास इंडिकेशन है कि उसके पैर जो होते हैं वो ठंडे हो जाते हैं, पसीना ठंडा होता है, और तो आप कैल्केरिया सोच सकते हैं। स्टरिलिटी की मेडिसिन है, जहां बच्चे नहीं होते हैं बिकॉज ऑफ द ज्यादा पीरियड्स आने की वजह से, लार्ज क्वांटिटी में पीरियड्स आने की वजह से बच्चे नहीं होते हैं, या तो फाइब्रोड यूट्रस में मैंने देखा है कि जो फाइब्रोड की साइज है वो या तो छोटी हो जाती है या तो पीरियड्स रेगुलर हो जाते हैं, तो मैं बहुत अच्छे से यूज करता हूँ ये मेडिसिन। ब्रेस्ट सिम्टम्स, तो स्वेलिंग हो जाता है ब्रेस्ट में, और जो मिल्क आता है वो बच्चे को अच्छा नहीं लगता, उसका टेस्ट उसको शायद खट्टा होगा या कुछ भी होगा, उसको पसंद नहीं आता, इसलिए बच्चा वो मिल्क लेना अवॉइड करता है, एंड इवन मिल्क भी कम आता है, तो बच्चों को जब डिलीवरी के बाद फीडिंग में बहुत प्रॉब्लम होता है। जॉइंट पेन, क्योंकि बोन की वजह से जो सबसे ज्यादा ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है वो नी जॉइंट में होता है, तो उसकी वजह से वीकनेस फील होती है और पैर ठंडे हो जाते हैं, ऐसा कि जैसे कुछ गीले शॉक्स पहने हो, इस तरह का पैर हो जाता है, वहां ठंड लगती है, एंड कैसा पैर ठंडे हो जाते हैं और जैसा लगता है उसमें जान ही नहीं है, इस तरह के ठंडे हो जाते हैं। और मैंने बोला ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटॉइड की वजह से पेन हो, या तो जॉइंट्स में स्वेलिंग आ जाना, खासकर नी जॉइंट पे इफेक्ट करने वाली मेडिसिन है, अर्थराइटिस है, जो पसीना होता है वो ठंडा होता है और हाथ में भी पसीना होगा, पैर के तलियों में जलन होती है, सल्फर के साथ आप कैल्केरिया भी सोच सकते हो, और अगर कई बार मोच आती है, पुरानी मोच की वजह से आपको पेन हो, तो आप
कैल्केरिया का एक इंडिकेशन है। एक्सर्शन, मेंटल और फिजिकल, ये पेशेंट बहुत लेजी होता है, तो उसकी वजह से उसको थकान लगे या तो एसेंडिंग ऊपर जाने की वजह से, कोई भी ठंडी ठंडा वेदर हो या ठंडा खा पी लिया हो, और कोई भी ठंड की वजह से उसको प्रॉब्लम हो, वॉशिंग की वजह से प्रॉब्लम हो, बेज वाली हवा से मॉनसून वगैरह में प्रॉब्लम हो, फुल मून मतलब पूनम की रात हो तब उसको प्रॉब्लम हो, खड़े रहने से प्रॉब्लम हो, लेकिन आराम कैसे लगेगा? अगर वेदर ड्राई रहा, मतलब उसमें डैम्पनेस भी नहीं है, कोल्डनेस भी नहीं है, ऐसे वेदर में पेशेंट को अच्छा फील होता है, और जो साइड उसको दर्द होता है वो साइड सोने से उसको अच्छा फील होता है। डॉक्टर हनीमन साहब ने बहुत अच्छे कहा है कि आपको सल्फर और नाइट्रिक एसिड के पहले कैल्केरिया का नहीं यूज करना चाहिए, एंड आफ्टर लाइकोपोडियम, नक्समिका, फॉस्फोरस एंड सिलिशिया, उसके बाद अगर आप कैल्केरिया यूज करोगे तो बहुत अच्छे से उसके रिजल्ट मिलेंगे। और कैल्केरिया का ज्यादातर क्रॉनिक डिजीज में काम करती है, लेकिन वही पेशेंट की एक्यूट मेडिसिन है बेलाडोना, तो कैल्केरिया का कंस्टिट्यूशन हो और उसको कोई एक्यूट प्रॉब्लम आए तो आप पहले बेलाडोना सोच सकते हैं। और लोग इस साइकिल में बहुत अच्छे से एज ए एंटीसोरिक रेमेडी, ये सारी जो है कैल्केरिया का वगैरह सल्फर वगैरह वो एंटीसोरिक मेडिसिन है, तो कैल्केरिया, लाइको एंड उसके बाद सल्फर, तो इस चेन में, इस साइकिल में लोग इसको यूज करते हैं। तो अब मैं पोटेंसी के बारे में बात करूंगा, तो ज्यादातर मैं पोटेंसी यूज करता हूं वो 200 या तो 1 ml, मैं ज्यादातर बहुत फ्रिक्वेंट इसमें नहीं देता हूं, या तो 200 का डोज दिया फिर वेट करता हूं, 1 ml का डोज दिया तब वेट करता हूं, तो ज्यादातर हम मेंटल, फिजिकल, जनरल सब कुछ मिला के उसको दवाई देते हैं, तो ये पॉलीक्रेश रेमेडी है। और मैं खास थैंक यू बोलना चाहूंगा डॉक्टर प्रीति, जिसने ये सारी जो स्लाइड्स है, पीपीटी है, वो उसने प्रिपेयर किया है और मुझे ये वीडियो बनाने में बहुत अच्छे से हेल्पफुल हुआ है। तो यही सारी बातें थी कैल्केरिया कार्प होम्योपैथिक मेडिसिन की। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।